जिला पुलिस द्वारा पिछले काफ़ी समय से वांछित अपराधियों के विरुद्ध सघनता से अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 50 वांछित अपराधी जिन पर विभिन्न राज्यों से इनाम घोषित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल नाकाबंदी के दौरान एक वीरू उस वीरेंद्र नाम का युवक दस्तियाब हुआ था जिसके पास अवैध हथियार था। उस समय पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वह कोई बहुत बड़ा वांछित अपराधी है। बाद में कालांतर में पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि वह SSP आगरा से उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम है। इसी क्रम में आज पुलिस थाना सदर द्वारा एक वर्षों से फरार चल रहे एक बहुचर्चित प्रकरण में वांछित अपराधी अट्ठा की गिरफ्तारी की गई है। आपको याद होगा वर्ष 2008 में उस समय बाड़ी थाने के दोदेपुरा गांव में 4 जाटों की निर्मम रूप से हत्या हुई थी। एक बहुचर्चित प्रकरण था, बड़ा एक संवेदनशील घटनाक्रम हुआ था, उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे। कुछ की अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस पीछा कर रही है। उसी घटनाक्रम में वांछित अपराधी अट्ठा गुजर की आज बाड़ी सदर थाना पुलिस द्वारा थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक जाबांज पुलिस दल के द्वारा गिरफ्तारी की गई। काफ़ी अवरोध करने की कोशिश हुई लेकिन पुलिसकर्मी उसको धरपकड़ करने में कामयाब रहे। उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है। इसके द्वारा पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया कि उस वारदात के बाद जब से फरारी काट रहा था ये मुकेश ठाकुर गैंग के संपर्क में आया और उसके बाद वहाँ शरण पाता रहा। पिछले दिनों जब मुकेश ठाकुर गैंग पर ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई हुई राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की, तब इसको भी असुरक्षा का एहसास हुआ और ये मुकेश ठाकुर को छोड़ करके भग गया। मुकेश ठाकुर के अधिकांश सदस्य पुलिस गिरफ्त में आ गए और उसके बाद में जब ये पुलिस के रडार पे आया तो पुलिस ने इसके छिपने के ठिकानों पर पूरा फोकस किया और उसी क्रम में आज ये दर दबोचा गया। इससे भी गहनता से अनुसंधान जारी है। मुझे उम्मीद है कि इसके द्वारा इस फरारी के दौरान जो भी वारदातें की गई है वो खुलकर सामने आएंगे। इनाम मिले था उसको? इसकी फरारी के दौरान इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। और दूसरे राज्यों में ये कहाँ कहाँ वांछित चल रहा है, क्या क्या वारदातें इसने की है, ये इसकी पूछताछ से सामने आए। अभियोग सर किन धाराओं में इसको होंगे? इसके ऊपर डकैती, लूट, 307, 302 जैसे गंभीर प्रकरण के अपराध दर्ज हैं और उनमें ये वांछित।